हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अह uh, कुछ नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स जो थे जो हमें रिक्वायर्ड है डीएसए के लिए वो हमने डिस्कस करा था नाउ दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाई वी नीड डीएसए ओके डीएसए में क्या है बेसिकली द क्वेश्चन इज कि व्हाई एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम मैटर्स ठीक है जिसके लिए हम डीएसए पढ़ रहे हैं बेसिकली डीएसए किस लिए पढ़ते हैं तो इम्प्रूव द प्रोग्राम बट क्यों जरूरी है एफिशिएंसी को इंप्रूव करना सो बिफोर गोइंग इनटू टू दैट मैं एक और चीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स दैट इज दिस टाइमर ठीक है अब टाइमर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेसिकली टाइम मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं और हमने दो क्लासेस बनाई एक है कि टाइम एरर तो कि एक एक्सेप्शन क्लास है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास है कि जब भी हम यूज करें कोई एरर आएगा तो वो इसको ये हैंडल कर लेगा एंड दूसरा एक टाइमर क्लास तो बेसिकली हम एक स्टॉप वाच बना रहे बना रहे ठीक है स्टॉप से हम क्या करेंगे बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि कितना टाइम कंज्यूम हुआ हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में

जो तो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में सबसे पहले चेक करेगा क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्ट और टाइम दोनों को नन सेट कर रखा है तो सबसे पहले चेक करेगा कि नन तो नहीं है अगर नन है इसका मतलब नन नहीं है इसका मतलब कि टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो वहां पे क्या कर देगा एक एरर रेस कर देगा क्योंकि रेज हमने लिखा है रेज मतलब क्या होता है एरर रेस करना राइट और अगर नहीं है तो सेल्फ डॉट टाइमर में क्या करेगा टाइम डॉट पर्फ काउंटर को एग्जीक्यूट करेगा टाइम डॉट पर्फ काउंटर क्या करता है कि जब हमने टाइम ताँ, डॉट काउंटर को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर टाइम का टाइम फ्रेम नोट कर लेगा अगेन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा ये पिछले वाले से अभी तक का जो डिफरेंस होगा उसको वो हमें रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है तो स्टार्ट टाइमर करेंगे, करेंगे स्टार्ट करेगा तो स्टॉप कहेंगे तो में पहले चेक करेगा कि अगर टाइमर स्टार्ट इज नन है अगर नन है मतलब टाइमर स्टार्ट ही नहीं हो तो स्टार्ट ही नहीं हो तो स्टॉप भी नहीं होगा तो वहां पर करेगा प्लीज यूज स्टार्ट अगर नहीं तो ऑलरेडी स्टार्टेड होगा तो फिर क्या करेगा टाइम डॉट ड्रॉट काउंटर माइनस सेल्फ स्टार्ट टाइम करके तो जो आएगा उसको क्या करेगा इलेप्स टाइम में स्टोर कर देगा और स्टार्ट टाइमर को नन कर देगा और इलेब्स टाइम क्या करेगा टाइम अगर इलेप्स टाइम नन है तो कहेगा कि टाइमर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा टाइम को रिटर्न कर देगा क्योंकि यहां पे सेल्फ टाइम यस रिटर्न कर फंक्शन है ठीक है तो इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं तो लेट्स से कि एक ये प्रोग्राम है ठीक है जो कि जीसीडी uh, हमारा प्रिंट करता है इतने बड़े नंबर uh, का ठीक है तो हम टी डॉट स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे देन टी डॉट स्टॉप करेंगे तो कितना टाइम लगा स्टार्ट स्टॉप एग्जीक्यूट होने में वो हमें मिल जाएगा जब टी को हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक सा फंडा होने वाला है नाउ जब हमने इस चीज को यूज करा तो हमें एक चीज पता चली एक ऑब्जर्वेशन पता चली कि जो पाइथन है वो अप्रोक्सीमेटली टेन रेस्ट टू तो पावर सेवन ऑपरेशंस पर सेकेंड परफॉर्म कर सकता है ठीक है तो ये एक नोट करने वाली चीज है कि पावर सेवन ऑपरेशंस पर सेकेंड वो परफॉर्म कर सकता है ठीक है ना दो क्वेश्चन इज वाई एफिशिएंसी मैटर्स सो देआर सेवरल रीजन जिसकी वजह से मैटर करता है जैसे कि एफिशिएंसी मैटर इन कोड्स बिकॉज इट अलाउज प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फास्टर एंड यूज फ्यूअर रिसोर्सेज ठीक है कम रिसोर्स में ज्यादा जल्दी हम काम कर सकते हैं दिस कैन इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम रिड्यूस मेमरी यूसेज इनेबल प्रोग्राम टू हैंडल लार्ज डेटा सेट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट तो लार्ज डेटा सेट्स को भी हैंडल करने में ये हेल्प करता है तो ये सारे बेसिकली क्या है वो पॉइंट्स है जस्ट बिकॉज वाई एफिशियंसी मैटर्स मैं इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूंगा ठीक है

वन इन द इंडिया हैज अ आधार कार्ड तो कहेंगे अप्रोक्सिमेटली एन इज ग्रेटर देन टू पावर नाइन इतने आधार कार्ड होंगे एंड नंबर ऑफ सिम कार्ड रजिस्टर्ड भी से टू पावर जितने पॉपुलेशन हो उतना ही सिम कार्ड होगा इतना हम मान के चलते हैं। किसी के पास एक सिम कार्ड होगा किसी के पास दो सिम कार्ड होगा किसी के पास नहीं भी होगा तीन भी वाले हैं ठीक है सो लेट्स अज्यूम की नंबर ऑफ सिम कार्ड और नंबर ऑफ पॉपुलेशन सेम ठीक है So, जब ये condition है तो टोटल टाइम कितना लगेगा मेरे को पूरा का पूरा रन होने में सब सारे आ, सिम कार्ड्स को वैलिडेट करने में तो टेन रेस्ट टू पावर टू टू पावर पावर एटीन इतना ऑपरेशन इतने लूप मेरे को लगेंगे है ना पूरे चीज को चेक करने में वैलिडेट करने में टेन रेस्ट टू पावर नाइन ये टेन रेस्ट टू पावर नाइन ये करेक्ट एंड वी कैल्कुलेटेड पाइथन कैन परफॉर्म टेन रेस्टू पावर सेवन ऑपरेशन पर सेकंड ठीक है तो टोटल टाइम कितने लगेंगे तो टेन रेस्टू पावर एटीन अपॉन टेन रेस्ट टू पावर सेवन जो कि आएगा कितना टेन रिस्ट पार इलेवन तो इतना सेकंड मेरे को लगेगा ये सेकंड को अगर मिनट में चेंज किया जाए तो कुछ इतना मिनट्स बनता है और आर्स में चेंज करा जाए कुछ इतना लगता और ईयर्स में चेंज करा जाए तो थर्टी टू हंड्रेड इयर्स अप्रोक्सीमेटली लगते हैं ऑल आधार कार्ड को ऑल सिम कार्ड से वैलिडेट करने में जो कि बहुत ज्यादा है तो फिर गवर्नमेंट क्यों प्रेफर करेगी ऐसे चीज को जिसको थर्टी टू हंड्रेड इयर्स लगेगा उस चीज को रखने में मतलब हर एक सिम कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के का क्यों ही सोचेगी जब इतना टाइम लगेगा राइट सो देर सुड देयर हम यूज करते हैं right? राइट इतना टाइम नहीं लगता यू नो तो हाउ कैन वी फिक्स दिस कैसे कर सकते हैं सो so, इसी चीज ऐसे ऐसे टास्क को ही ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें डीएससी की जरूरत पड़ती है तो एक सिंपल सा फिक्स मैं इसका बता सकता हूं कि लेट्स से कि मैं क्या करूं एक कंडीशन नेसेसरी कि लेट्स से आधार कार्ड मेरा क्या है सॉर्टेड है सारी

मतलब है इधर वाले से कोई मतलब नहीं तो हाफ मैंने एलिमिनेट कर दिया यानी कि थर्टी टू हंड्रेड का मैं आधा कर चुका हूं यानी कि सोलह कर चुका हूं अगेन मैं हाफ पे जाऊंगा अगेन चेक करूंगा अगेन मैंने एलिमिनेट कर दिया अगेन हाफ पे जाऊंगा अगेन कर दूंगा तो ऐसे करते करते लास्ट में मैं अपने तक पहुंच जाऊंगा जो मेरे को रिक्वायर्ड है यानी कि फर्स्ट स्टेप में मैंने इसको 1600 कर दिया सेकंड स्टेप में इसको मैंने 800 कर दिया थर्ड में 400, 200। नाउ ये हर एक ऑपरेशन में मैं क्या कर पा रहा हूं आधा कर दे रहा हूं ठीक है तो हर एक ऑपरेशन में आधा कर रहा हूं तो विद इन सम सेकंड्स ही मैं क्या कर पाऊंगा अपने डिजायर्ड उस तक पहुंच जाऊंगा तो एक जो है वो कुछ सेकेंड लगेगा ठीक है ऐसे ही बाकी सारे से भी वो भी कुछ कुछ सेकेंड लगेंगे तो इट इज इट विल कम टू ठीक है ये क्या आएगा कुछ मिनट्स का काम रह जाएगा ठीक है और दैट इज Uh, उतना क्या है एडजस्टेबल है कि कुछ मिनट्स में अगर हो जाता है तब भी मेरे लिए फाइन है राइट right? तो ये एक पॉसिबल एल्गोरिदम हो सकता है तो यही सारी चीजें हैं यही वो चीजें हैं जो एफिशिएंसी जिसके लिए मैटर करता है ठीक है सो वी विल स्टडी इन मोर डिटेल अबाउट दिस स्टफ और अभी से हम लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे ठीक है तो आई होप आप तुम्हें चीजें समझ में आओ समझ में तो वीडियो को लाइक करना चैनल को तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय